मैंने प्यार तुम्ही से किया है टुणुणु, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है टुणुणु, अब चाहे जो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं, शिला से ही प्यार करूं, मैं दुनिया से अब ना डरूं, शिला से ही प्यार करूं। ये क्लास में गला फाड़ फाड़ कर शोर क्यों मचा रहे हो? लगता है जैसे चिड़िया घर से किसी सियार को लाकर यहाँ क्लासरूम में छोड़ दिया है। सर, कोरोना के कारण 2 साल बाद हमें स्कूल आने का मौका मिला है, इसीलिए हम अपनी आवाज चेक कर रहे हैं कि कहीं गुम तो नहीं हो गई। क्या घर में बोलने पर पाबंदी लगी थी क्या, जो आज आते ही आसमान सिर पर उठा रखे हो? नहीं सर, बोलने पर नहीं, लेकिन चीखने चिल्लाने पर जरूर पाबंदी थी। हाँ, हम घर में चीख नहीं सकते थे ना, इसलिए आज क्लास में आकर अपनी भलाक निकाल रहे हैं। तो इतना जोर से चिल्लाओगे? अरे सर, क्या पता इतने दिनों में हमारी आवाज बैठ गई हो, इसीलिए उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तल हम यही तय कर रहे हैं कि कहीं हमारा गला तिल्लाना तो भूल नहीं गया। ये तो गजबे बात बता रहे हो। सर, ये बस बहाने बना रहे हैं। मैं भी तो स्कूल नहीं आ रही थी, मैं कहाँ शोर कर रही हूँ? तुम शोर करके भी क्या कर लोगी, जोर से बोलोगी तो लगेगा जैसे चूहिया दहाड़ रही हो। अपनी शक्ल देखिए, गली के कलवा कुत्ते से भी बुरा है। तुम जो इतना मेकअप करके खुद को ऐश्वर्या राय समझ रही हो, जाकर आईना देख लो, मुर्गिया चक वाली चुड़ैल लग रही हो। मैं चुड़ैल लगती हूँ? पूछ रही हो या बता रही हो? अभी बताती हूँ। बड़ी हंसी आ रही है, तुम्हें भी चाहिए क्या? नहीं नहीं तीला भाभी, मैं तो ऐसे ही। भाभी किसे बोला मैं? गलती से मुँह तो निकल गया। अपने मुँह को संभाल के रखो, वरना एक दिन किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अरे बच्चों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सरकार को भी एक साथ सारे बच्चों का क्लास शुरू नहीं करना चाहिए था। 2 साल से माँ बाप के सताए बच्चे एक साथ आएंगे तो ये सब तो होगा ही। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, आज राजू को सजा देनी ही पड़ेगी। मैं तो तुम्हारे लिए हर सजा भुगतने को तैयार हूँ जाने मन, लेकिन पहले ये बताओ मजा कब दोगी? ए रजवा, मुंह बंद रख, नहीं तो आज घुसेड़ दिए जाओगे। मैं क्या रद्दी हूँ, कबाड़ हूँ जो घुसेड़ दिया जाऊंगा? अगर नहीं शांत हुए तो आज बेटा ये शौक भी पूरा कर ही दूंगा। मैंने भी 2 साल से किसी को धोया नहीं है। अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ सर, शुरू कीजिए। आज बहुत दिनों बाद स्कूल में बैठी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बगल में आम का बागीचा है, वहाँ चलकर मेरे साथ बैठो और मजा आएगा। पढ़ाई लिखाई में 0, अब बकैती में नंबर 1। मेरी बकैती के कारण ही ये क्लास चल रहा है। लगता है तू आज ऐसे नहीं मानेगा। चल मेरे सवाल का जवाब दे। मैं क्यों दूं? सवाल आपका है तो आप ही जवाब दो ना, मुझे दूसरों के सवाल का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अबे मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। 2 साल से जब पढ़ाई ही नहीं हुई तो फिर कैसा सवाल और कैसा जवाब? अरे पढ़ाई तो हुई थी ना, पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। तो सवाल भी ऑनलाइन ही पूछ लेना, जब हम घर चले जाएंगे फिर सवाल पूछना। बेटा वो सब नहीं चलेगा, सवाल का जवाब तो यहीं देना होगा, घंटा देना होगा। ये कैसी बात कर रहा है बे? देखो सर, हमने ऑनलाइन में पढ़ाई लिखाई तो घंटा किया, अब अगर आप सवाल पूछोगे तो आपको घंटा ही मिलेगा ना। क्या? लेकिन तुम लोग क्लास अटेंड तो करते ही थे? बस अटेंड ही करते थे, बाकी अपने दोस्तों से चैट होती रहती थी। हाँ तल, क्लास के बहाने मोबाइल और इंटरनेट मिल जाता था, हम गेम खेलते रहते थे। हैं? इसका मतलब मैं जो कहता था वो कोई नहीं सुनता था? वो तो यहाँ भी कोई नहीं सुनता है। नहीं सर, मैं तो पढ़ाई करती थी। तो ठीक है, तुम ही सर के सवाल का जवाब दे दो। हाँ सर, आप मुझसे पूछो, मैं इनकी तरह गवार नहीं हूँ। ठीक है शीला बेटी,
बताओ, विद्या ददाति विनयम, इसका मतलब क्या होता है? सर, इसका मतलब है विद्या से हमें विनय मिलती है। बिल्कुल गलत। ये कैसे गलत हुआ रे रजुआ? सर, इसका मतलब है विद्या विनय को देती है। देती है? क्या देती है? अरे कुछ भी देती होगी, आप समझ जाओ ना। नहीं ताल, इसका मतलब होगा विनय को विद्या देती है। अबे टकले, मेरी बात को ही घुमाकर कह रहा है। विद्या विनय को दे या विनय विद्या को दे, बात तो दोनों बराबर ही है। जैसे खरबूजे पर चाकू गिरे या चाकू पर खरबूजा, कटना तो खरबूजे को ही है। दोनों बराबर नहीं है। तब मांगने पर दे दी तब होता विनय को विद्या देती है, और तब बिना मांगे दे दी तब होगा विद्या विनय को देती है। हाँ। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करते हो या तुम दोनों को मैं दूं? फालतू का लेनी देनी लगा रखा है। सर, लोचा तो लेने देने में ही फंसा हुआ है, अब पता ही नहीं चल रहा कौन ले रहा है और कौन दे रहा है। अबे अकल से झंडू, बस लेने देने में ही लगा रहेगा, क्या कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान देगा? सर, मैं तो खूब पढ़ाई करता हूँ। हिम्मत है तो कुछ और पूछ कर देख लो। ठीक है, बताओ, तमसो मा ज्योतिर्गमया, इसका मतलब क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है। आसान है तो बता। देखो सर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपनी माँ से ये कहना चाह रहा है कि हे माँ, तुम सो जाओ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति से मिलने जा रहा हूँ। तम सो मा ज्योतिर्गमया। एक भी सवाल का सही और सीधा जवाब नहीं देना है, खाली गोल गोल बकैती करना है, यही काम रह गया तेरा। हाँ सर, बकैती करता हूँ, तरोताजा और सीधी सीधी बकैती करता हूँ, इसी से तो मैंने नाम और शोहरत पाई है। तो इसका मतलब तू मानेगा नहीं? एकदम नहीं सर। तो ये और करेगा बकैती?